हेलो हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो जो वगैरह, प्रैक्टिस जो आपके क्या कहता है सेट के जो क्वेश्चंस हैं। तो ये है भाई हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। आप जैसे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। दोबारा तिबारा मैं कहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहाँ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डीपी में भी आपके कई बार देखने को मिल रहा था, डीपी कांस्टेबल 2023 में। ठीक, 2023 में ये आपका कई बार क्वेश्चन था। तो ये हमने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ले रखा है। माना कानून के समक्ष जो है वो हर व्यक्ति समान है, इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। और यह है आपके कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर आपके क्या कहते हैं 14 में। और इसके जो एक्सेप्शन है वो कौन है, हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट और आपके क्या कहते हैं गवर्नर वगैरह हैं, जो हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं, ये लोग इसके क्या हैं अपवाद हैं। एक है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहां से ले रखी, जापान से। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, रूल सेटअप बाय द लॉ, रूल या प्रोसीजर सेटअप बाय द लॉ। ठीक, तो ये हमने कहां से ले रखा, जापान से। कौन से आर्टिकल में, ये अनुच्छेद 21 में। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। और ये जो विधि का शासन है, कानून के समक्ष समानता या जिसे कहा जाता है, इसे विधि का शासन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं इसे। ठीक, तो ये किसका कंसेप्ट है, यह है डाइसी। तो डाइसी का कंसेप्ट है ये रूल ऑफ लॉ। ये भी आप ध्यान रखें कि रूल ऑफ लॉ या एवरीबडी इक्वल बिफोर लॉ, तो ये कंसेप्ट किसने दिया, तो ये ब्रिटेन का थिंकर था आपके डाइसी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है, यह है आपके क्या कहते हैं ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मींस, मतलब शांति के तहत डेमोक्रेटिक तरीके से, ये वाला ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मींस, माने आपके क्या कहते हैं लोकतांत्रिक तरीकों से जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लाना। सोशलिज्म माने जहां पे सभी लोग आपके इक्वल हैं, मतलब। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित किस निर्णय में क्या गया है कि धर्म निरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है एस आर बोमई केस, 1994 में आता है ये। ठीक, और ये मेनली आपके आर्टिकल 356 को इसमें एक्सप्लेन किया गया था, व्याख्या की गई थी इसमें। कि जो आपके क्या कहते हैं सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म है, ये हमारे संविधान की क्या है मूल विशेषताएं हैं या बेसिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार से पता चलता है कि भारत एक किस प्रकार का देश है। तो इससे क्या पता लगता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। ठीक, 18 साल से ऊपर का वो अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है अंडर आर्टिकल 326। नेक्स्ट है निरंकुशता का अर्थ क्या, ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे एक व्यक्ति का शासन हो, एक व्यक्ति का शासन, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ठीक,
नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है, तो इसका क्या होगा, द किंग एक्सरसाइजेज पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, माने जहां पर जो शासक है, जो राजा है, शासक या राजा संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे कहा जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले जो हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन में, आपके कनाडा में और आपके जापान वगैरह में, ठीक। तो वहाँ पे जो राजा है, जैसे आपने सुना होगा कि जो कई कंट्रीज हैं आज भी कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं, वो ब्रिटेन के जो किंग हैं चार्ल्स थर्ड, तो चार्ल्स थर्ड को वो आज भी अपना क्या एज्यूम करते हैं, आज भी अपना किंग मानते हैं, अपना शासक मानते हैं। तो ये होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेंटी, तो क्या होती है सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, लोगों की आपके क्या कहते हैं जो संप्रभुता होगी, लोगों की संप्रभुता। नेक्स्ट है भारत के संसदीय स्वरूप का विचार कहां से अपनाया गया, तो जो हमारे यहां पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज अडेप्टेड फ्रॉम यूके या ब्रिटेन, ये मैंने पहले भी बता दिया कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके का सिस्टम है, और यूके में इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा जाता है आपके वेस्टमिंस्टर सिस्टम, ठीक। तो ये यूके का क्या है, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये, जिसे कहा जाता है आपके वेस्टमिंस्टर सिस्टम। भारत के संसदीय स्वरूप का विचार किसके द्वारा लाया गया, भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जिसे कहेंगे हम लोग, संसदीय स्वरूप नहीं है, संविधान सभा कर लें आप इसको, संविधान सभा, ठीक। तो ये जो संविधान सभा का विचार है ये कौन लेके आए थे, एम एन रॉय लेके आए थे, कब लेके आए थे ये 1934 में, और यही आपके क्या कहते हैं इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विचार कब रखा था कि अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये आइडिया रखा था 1935, क्योंकि 1935 में क्या था, कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, ये पहला ब्रेक था, नहीं? जब से आपके क्या कहते हैं कांग्रेस सेटअप हुए थे 1885 में, तो उसके बाद से लेके कांग्रेस का पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सेशन नहीं हुआ था, ठीक, 35 में। नेक्स्ट है उस देश का नाम जहां से भारत ने संशोधन की प्रक्रियाओं को संवैधानिक विशेषताएं उधार वगैरह ली हैं, माने जो हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर है, मैंने आपके क्या कहते हैं भाग 20 में भी बताया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आर्टिकल आपके कौन से आर्टिकल में है, 368 में। तो ये हमने कहां से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान की विशेषताएं उधार ले रखी, तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका यूएसए का है, अमेरिका का है, यूएस का, जो कि आपके 1789 में बन के तैयार होता है, ठीक। और जो प्रस्तावना या प्रियम्बल होती है, जो हमने प्रस्तावना का विचार या कंसेप्ट ले रखा है, ये भी हमने अमेरिका से ले रखा है, क्योंकि जो
लिखित संविधान होते हैं उनकी जो विशेषता होती है वो क्या है आपके, प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो सेम चीज हमने जो कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल है वो कहां से ले रखी, अमेरिका के संविधान से। क्यों ले रखी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक्ट में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, तो जो टेरिटोरियल डिवीजन किया गया था इंडिया का, ये किया गया था 1858 का, ठीक, 1858 का जो एक्ट था। और इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि जो भारत में मुगल शासन है, जो मुगल रूल है, उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो जो मुगल रूल है आपके, क्या कहते हैं, दैट ऑल्सो केम टू एन एंड। और भारत में किसकी शुरुआत होती, वाइसराय की शुरुआत होती है, वाइसरॉय। तो वाइसरॉय माने जो ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि हुआ करते थे, महारानी के प्रतिनिधि। तो इसी एक्ट के द्वारा क्या होता है आपके, भारत में वाइसराय का पद भी जो है आपके पहली बार आता है। और लॉर्ड कैनिंग जो है आपका, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का फर्स्ट वाइसराय बनता है 1 नवंबर 1850, फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 से लेके 62। तो ये सारा जो है आपके कौन से एक्ट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये था आपके 1858। तो ये थे भाई हमारे तीसरे सेट के क्वेश्चन। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम अहेड।